बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये भी रिसेंटली जो फ्यूल की प्राइसेस में कमी की गई है, इधर पाकिस्तान में 15 रुपए कम कर दिए गए हैं और उससे पहले भी कमी की गई थी। 98 पे थी इसकी प्राइस, 98 से कम होके अब ये 82 पे आ गई है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि सिनेरियो को देखते हुए इन फ्यूचर में आप लोगों को क्या लग रहा है कि प्राइसेस मजीद नीचे जाएगी, स्टेबल रहेंगी या ऊपर जाएंगी, इसे आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें तीन पॉइंट आज हम क्लियर करेंगे, एक तो इसका इंट्रोडक्शन, दूसरा इसके सैलियंट फीचर्स और तीसरे नंबर पे इसकी हम करेंगे अजम्पशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से आपने सुनना है और साथ साथ रहना, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे पहले पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस थी क्लासिकल थ्योरी। 1776 में क्लासिकल थ्योरी का आगाज होता है जब एडम स्मिथ अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन लिखता है और उसमें ये कॉन्सेप्ट वगैरह देता है इकोनॉमिक्स के और इसको एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाता है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं, एडम स्मिथ, प्रीटो, जे एस मिल से, इन तमाम के ओपिनियन ये 1930 तक ये राय थे। 1930 में आता है जी ग्रेट डिप्रेशन। वैसे तो हिस्ट्री में बेशुमार डिप्रेशन आए, एक अभी भी रिसेंटली ये COVID-19 का जो डिप्रेशन है ये शायद वो 1930 के डिप्रेशन से भी ज्यादा है, लेकिन ये इसको यहां पे भी डिस्कस नहीं इसका बनता, अभी हम देख रहे हैं कीन्स थ्योरी। तो 1930 का डिप्रेशन जो था इसे भी नाम दिया गया ग्रेट डिप्रेशन का। क्यों? क्योंकि इसमें लाखों की तादाद में अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्जर्व की गई और एक मैसिव ओवर प्रोडक्शन थी पूरी दुनिया में। स्टार्ट तो ये वैसे हुआ यूएसए में और बाद जगह पे 1929 पे स्टार्ट हुआ और फैलते फैलते 1930 तक बाद जगह पे ये स्टार्ट हुआ। ये ड्यूरेशन इसकी बहुत ज्यादा लंबी थी और वर्ल्ड वार टू तक ये कायम रहा। बाज इकोनॉमी इस डिप्रेशन के बाद जल्दी उन्होंने बूस्ट कर लिया और बाज जोन सी थी वो उसके आफ्टर इफेक्ट्स इस डिप्रेशन के वो कई सालों तक उनको भुगतना पड़े और उनकी जीडीपी और नेशनल इनकम ये ड्रास्टिकली हद तक डिक्लाइन कर गई थी। तो उस डिप्रेशन के बाद ऑब्जर्व लोगों ने करना शुरू किया इकोनॉमिक्स को एक नए एंगल से, क्योंकि क्लासिकल बता चुके थे कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रही होती है और ओवर प्रोडक्शन कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब भी यही है कि तमाम रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, जितनी डिमांड है उतनी आपकी सप्लाई भी है, डिमांड और सप्लाई हमेशा बैलेंस में रहते हैं और गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता इकोनॉमी में। लेकिन जिस वक्त ये सूरत हाल ऑब्जर्व की गई, लोगों ने एक डिफरेंट एंगल से इकोनॉमी को देखना शुरू किया, तो क्लासिकल का ही एक स्टूडेंट है जॉन मैनर्ड कीन्स, जेएम कीन्स, तो इसने एक नई बुक लिखी, नया कॉन्सेप्ट दिया नेशनल इनकम का, जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से इसने एक बुक लिखी। 1936 में इसने ये किताब लिखी और उसमें इसने क्रिटिसाइज किया भरपूर तरीके से क्लासिकल को। आज से पहले किसी ने इतने भरपूर अंदाज से क्लासिकल को क्रिटिसाइज नहीं किया था। तो इसने वो तमाम पॉइंट एक वो पूरा एक चैप्टर है, वो भी इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो आपको वो भी वीडियो बना के क्लासिकल के क्रिटिसिज्म के ऊपर मैं बताऊंगा। तो इसने फिर एक थ्योरी नई पेश की, उस थ्योरी पे इसने इसके कुछ फीचर्स बताए और नेशनल इनकम डिटरमिन कैसे होती है ये पॉइंट बताए। तो ये था जिसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं इसके फीचर्स की तरफ, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देर आर फोर फीचर्स ऑफ कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला फीचर, इसने जो नेशनल इनकम डिटरमिन होती है कीन्स ने हमें बताया, वो बाय द फोर्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई होती है। जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये दोनों बैलेंस में आ जाएं, बराबर हो जाएं, उस पॉइंट पे नेशनल इनकम डिटरमिन हो जाती है। दूसरा इसका फीचर जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्लासिकल का और कीन्स का फर्क ये है कि क्लासिकल ने बोला था इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में ऑपरेट होती है, कीन्स के अकॉर्डिंग
फुल एम्प्लॉयमेंट में इकोनॉमी ऑपरेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। तो अकॉर्डिंग टू जे एम कीन्स, नेशनल इनकम में बी एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, अबव द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट और बिलो द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट करें, आप फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी जा सकते हैं और बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन भी हो सकती है, बेरोजगारी भी हो सकती है। नंबर थ्री, तीसरा इसका फीचर ये है कि कीन्स ने इंट्रोड्यूस करवाया अफेक्टिव डिमांड को, अफेक्टिव डिमांड मौसर तलब। इसका क्या मतलब है? एक ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये बैलेंस में हो जाए और इसी पॉइंट पे नेशनल इनकम डिटरमिन हो जाए। तो इस पॉइंट को उसने नाम दे दिया अफेक्टिव डिमांड का। अफेक्टिव डिमांड ये ही रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी इकोनॉमी का, ये लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट कितनी है, नेशनल इनकम किसी मुल्क की कितनी है। तो ये तमाम बातें आप जज कर सकते हैं अफेक्टिव डिमांड की मदद से। जितना अफेक्टिव डिमांड का पॉइंट ऊपर होगा, उतनी ही मुल्क में रोजगार और नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी वगैरह उनकी वैल्यूज इंक्रीज करेंगी। और अफेक्टिव डिमांड का पॉइंट जितना नीचे होगा, उतनी ही आपकी जीडीपी, नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट कम होगी। नंबर फोर पे है जी, देर इज अ इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, बेरोजगारी नहीं है, ओवर प्रोडक्शन नहीं है, तो गवर्नमेंट का क्या रोल है वो समझ में नहीं आता। लेकिन कीन्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, बेरोजगारी भी हो सकती है, इन्फ्लेशन भी हो सकती है। इन पॉइंट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एक ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए जो इन इश्यूज को एड्रेस करे और टैकल करे। तो इसके ओपिनियन के मुताबिक गवर्नमेंट का रोल होता है, लेसिस फेयर इकोनॉमी नहीं होती। तो ये इसके चार पॉइंट, चार फीचर्स थे। अब आते हैं जी इसकी अजम्पशंस की तरफ। देर आर फॉलोइंग अजम्पशंस ऑफ कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले अजम्पशन, इट इज अ टू सेक्टर इकोनॉमी। वैसे तो फोर सेक्टर इकोनॉमी भी होती है, आज जिस दुनिया में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं फोर सेक्टर इकोनॉमी है, क्योंकि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी है और इंटरनेशनल ट्रेड भी होती है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हमने यहाँ पे फर्ज कर लेना है, इट इज अ टू सेक्टर इकोनॉमी वेयर ओनली प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, टू पोर्शंस आर एग्जिस्ट। अगर सिर्फ ये दो ही तबके हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट होंगी, तो ये इसे फिर बोलेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी। ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स फिर इक्वल होंगे, डिनोट किया जाता है वाई इक्वल सी प्लस आई, ये आपको नजर भी आ रहा होगा। दूसरी अजम्पशन है जी, व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन फंक्शन हैज द फॉलोइंग टू कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड सेकंड वन इज इंड्यूस कंजम्पशन। व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन? कंजम्पशन के दो पोर्शन है। ऑटोनोमस कंजम्पशन ऐसी कंजम्पशन है जो जीरो इनकम पे आप बियर करते हैं। आपकी इनकम है या नहीं है, आप बेरोजगार हैं, कमा रहे हैं, किसी वक्त आपकी इनकम ज्यादा हो गई, किसी वक्त कम हो गई, लेकिन ये कंजम्पशन का वो पोर्शन है जो आपने इस्तेमाल करना ही करना है। ये आपकी नेसेसिटीज है, जिनके बगैर सर्वाइवल ही नहीं है। वो आपकी इसमें फूड आ सकती है, अगर आप अर्न नहीं भी कर रहे तो आप किसी से बोरो करेंगे। तो इसे फिर बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, डिनोट किया जाता है सी नोट से। और कंजम्पशन का दूसरा कंपोनेंट है इंड्यूस कंजम्पशन, इसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं, एमपीसी से इसे डिनोट किया जाता है। ये आपकी कंजम्पशन वो है जो नेशनल इनकम आपकी इनकम के साथ डिनोट करती है। आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आप कंजम्पशन भी ज्यादा करते जाएंगे, इनकम कम होगी तो आप कंजम्पशन भी कम करते जाएंगे। तो ये पॉजिटिवली रिलेट कर रही होती है इनकम के साथ। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज फिक्स, इसलिए वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है। तो ये कंजम्पशन की इक्वेशन होगी दूसरी। थर्ड अजम्पशन इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। वैसे तो इन्वेस्टमेंट के भी दो कंपोनेंट होते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, लेकिन यहां पे फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हमने अज्यूम किया कि आपके पास इन्वेस्टमेंट सिर्फ ऑटोनोमस है, ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो जीरो इनकम पे बियर की जाती है। ये वो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है जो आप कोई कारोबार या काम वगैरह स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में आप इन्वेस्ट करके पैसा वगैरह लगाते हैं। दूसरी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी होती है, जो जो आपकी इनकम इंक्रीज हो आप सरमायाकारी ज्यादा करते जाते हैं, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट को हमने यहाँ पे फिलहाल उसको
कंसीडर नहीं करना, सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगी। फोर्थ अजम्पशन इज दैट सेविंग इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट दैट आर ऑटोनोमस सेविंग एंड इंड्यूस सेविंग। ऑटोनोमस सेविंग एस नोट से डिनोट किया जाएगा और इंड्यूस सेविंग इसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी कहते हैं, एमपीएस भी इसे कहते हैं। ये आपकी सेविंग का वो पोर्शन है जो आपकी इनकम के साथ रिलेट कर रहा होता है। जो जो आपकी इनकम ज्यादा होती जाती है, सेविंग भी ज्यादा होती जाएगी, इनकम कम होती जाएगी तो सेविंग भी कम होती जाएगी, तो पॉजिटिवली रिलेट कर रही होती है इंड्यूस सेविंग। लेकिन ऑटोनोमस सेविंग क्या है, जो जीरो इनकम पे आपको बियर करनी पड़ती है। और जी हाँ, जीरो इनकम पे ये ऑटोनोमस सेविंग आपकी हमेशा माइनस में होगी। क्यों? क्योंकि जीरो इनकम पे आपने बोरो किए पैसे। सी नोट की वैल्यू जीरो इनकम पे प्लस में होती है, इसी वजह से सेविंग आपकी माइनस में चली जाती है। इसीलिए इसकी इक्वेशन में एस नोट के साथ स्टार्टिंग में माइनस का साइन लगाया जाता है, जो एक सिंबल है कि जीरो इनकम पे आपकी हमेशा सेविंग माइनस में होगी, जिसे डिस सेविंग भी कहते हैं। एंड फिफ्थ अजम्पशन इज दैट द आउटपुट साइड ऑफ द इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट विच आर कंजम्पशन एंड सेविंग, वाई इक्वल टू सी प्लस एस। दो साइड, दो तरह से आप नेशनल इनकम को देख सकते हैं। एक सबसे पहले अजम्पशन में मैंने आपको बता दिया वाई इक्वल सी प्लस आई, वो आपकी एक्सपेंडिचर साइड है। और दूसरी तरफ अब मैंने आपको पांचवें अजम्पशन में बताया वाई इक्वल टू सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग करेंगे तो ये भी आपकी नेशनल इनकम है। आप इस एंगल से देख लें या दूसरे एंगल से देख लें, बात सेम ही है। तो ये थी जी इसकी कुछ बुनियादी अजम्पशंस। आपको तीन चीजें मैंने इस वीडियो में क्लियर की, इंट्रोडक्शन, फीचर्स और अजम्पशन। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में लगी होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन अपना फीडबैक आपने लाजमी देना है। और इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल इनकम डिटरमिन कैसे होती है। इसके दो मेथड है, एक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मेथड, दूसरा सेविंग इन्वेस्टमेंट मेथड। इसके ऊपर दो सेपरेट वीडियोस मैं बना के आपको इंशाल्लाह ताला वो भी बताऊंगा। और जब जैसे वो वीडियोस बन जाएंगी, उन वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाके भी वो वीडियोस ओपन कर सकते हैं। दुआ में याद रखेगा जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।